हेलो एवरीवन एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम नियामत नादिर है और आज मैं जेमिनी प्रॉपर्टीज के साथ में आपको एक बहुत ही प्यारा टेरेस अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ जो कल्याणी नगर में सिचुएटेड है। तो चलिए हम टूर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं सब जगह पर। इस बिल्डिंग में दो विंग्स है, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर। वील बी यूजिंग द राइट साइड टू गो अप। हम अभी अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर है। आप देख सकते हो कि ये दरवाजा कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है और इसके ऑपोजिट साइड पर ही बालकनी का दूसरा दरवाजा है, टेरेस का दूसरा दरवाजा है। आप ये दरवाजा लगा कर भी लॉक कर सकते हो ताकि उस साइड से कोई यहाँ आ ना पाए। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। हेलो, आ जाए हम। ये एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट है और हम जैसे एंटर करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्रिटी साई बाबा का मूर्ति लगाया हुआ है, फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ है, कीज के लिए हैंगिंग लगाया हुआ है यहाँ पर, और डोर के दूसरे साइड पर मिरर है और उसके साथ में यहाँ बहुत ही प्यारी चीज़ें रखी हुई है डेकोरेट करने के लिए। अपार्टमेंट में एंटर करते ही हम लिविंग और डाइनिंग रूम में एंटर करते हैं। ये एक मार्बल टॉप टेबल है विथ 7 चेयर्स। डाइनिंग रूम में फैन है, एसी है, लाइट्स है और ये हम लिविंग रूम में आ गए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सोफा सेट है, यहाँ पे सेंटर टेबल है जिसके ऊपर ये एक बहुत ही स्वीट सा स्टोन्स के साथ में शोपीस रखा हुआ है, एक मिरर है यहाँ पर भी। और लिविंग रूम में साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ये एक वाइन चिलर है यहाँ पर, एक बार है जिसमें बहुत सारा अल्कोहल है पर बार आपको रेंट पर मिल सकता है, अंदर की बॉटल्स नहीं। हमने जो बालकनी वहाँ डोर के ऑपोजिट साइड पर देखी थी वो यहाँ पर है, पर हम ये एंड में देखेंगे क्योंकि ये ही तो मेन कैच है इस अपार्टमेंट का। पहले हम जाकर सारे बेडरूम्स देखते हैं। ये किचन एक बहुत ही विंटेज वाइब देता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक डबल डोर फ्रिज है। कैबिनेट्स है, ऊपर स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है। किचन में फैन है, लाइट्स है। यहाँ पर आप आपकी बहुत एक्सपेंसिव क्रॉकरी रख सकते हो। सिंक है, फोर बर्नर हॉब और एक चिमनी लगा हुआ है और इस किचन में पाइप गैस का भी कनेक्शन लगा हुआ है। किचन के सामने ही ये बहुत ही प्रिटी ग्लास कैबिनेट है जिसमें आप आपके बहुत सुंदर सुंदर शो पीसेस रख सकते हो। यहाँ पर आप आपकी फाइल्स रख सकते हो और ये आप आपकी क्रॉकरी रखने के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी टू ओपन एंड स्लाइड है। चलिए अब हम रूम देखते हैं। ये कॉमन बाथरूम है। बाथरूम के बाहर ही ये एक सिंक है और एक मिरर लगा हुआ है जो मार्बल से फिनिश्ड है। तो ये पहला बेडरूम है। आप देख सकते हो कितना सुंदर बनाया हुआ है इस रूम को। इस रूम में कबर्ड्स है, एक बेड है, बेड के बाजू में दो साइड टेबल्स है विद ड्रॉर्स और यहाँ पर एक प्लग पॉइंट है फॉर योर चार्जर्स। एसी लगा हुआ है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए आपको जगह दी हुई है। एक विंडो है जिसका व्यू आपको देखना चाहिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ग्रीन है
और बिकॉज हम टॉप फ्लोर पे हैं, इतनी प्यारी हवा आ रही है यहाँ पर. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू स्टैंड हियर एंड जस्ट वॉच द ग्रीनरी. यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल भी है, ड्रॉअर है और एक स्टूल भी है, सो यू कैन सिट एंड डू योर मेकअप ओवर हियर. इस रूम में एक बाथरूम भी अटैच्ड है. एक ग्लास डोर है जो सेपरेट करता है शावर एरिया को टॉयलेट एरिया से. आप देख सकते हो इस रूम का थीम पूरे घर के थीम से काफी अलग है. ये वॉच भी एक जो लगाई हुई है क्लॉक, बहुत ही सुंदर है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच और इस वॉल का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है. इस रूम के बाजू में एक दूसरा रूम है जिसको ओनर्स ने कन्वर्ट किया हुआ है इनटू अ टीवी रूम और अ फैमिली रूम और अ थिएटर रूम. बहुत ही सुंदर सोफा सेट लगाया हुआ है यहाँ पर. हो बहुत ही कंफर्टेबल है. एक सेंटर टेबल है विद अ सेंटर पीस ऑन इट. काफी प्यारी पेंटिंग्स और वॉल हैंगिंग्स लगी हुई है पूरे रूम में. प्यारी प्यारी लैंप्स लगी हुई है सब जगह. सेम वॉल कलर जो पूरे रूम का थीम है वही थीम के हिसाब से लाइट्स लगी हुई है. एक एसी है, काफी सारे शो पीसेस है और इस रूम में भी आपके लिए स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है ऊपर. और जो सेंटर टेबल है वो बहुत ही प्यारे कार्पेट पे रखा हुआ है. दोनों सोफे सेट के बाजू में साइड टेबल्स रखे हुए हैं और पीछे की तरफ भी दो साइड टेबल्स हैं, तो आप आराम से आपका पॉपकॉर्न आपके कोल्ड ड्रिंक साइड पे रखकर चिल कर सकते हो टीवी देखने के समय. आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है, तो आप इसे भी जला सकते हो आपका टीवी देखने के टाइम पे या कोई फैमिली फंक्शन चल रहा हो तब आप देख सकते हो. वहां से बाहर निकलते ही हम फिर से डाइनिंग रूम में आ गए हैं. हमने लिविंग रूम में एक सोफा सेट उस साइड पर देखा था ताकि अगर ज्यादा गेस्ट आए घर पे तो बैठने के लिए अच्छी खासी जगह दी हुई है. यहाँ पर एक्स्ट्रा चेयर्स है और यहाँ पर हम एक छोटी सी बालकनी में एंटर करते हैं. इस छोटी बालकनी को ओनर्स ने ऑनिंग से कवर किया हुआ है और इसे एक ऑफिस टाइप एरिया में कन्वर्ट किया हुआ है. यहाँ पर एक टीवी है, कैबिनेट्स है, बहुत सारे कबर्ड्स है ताकि आपको स्टोरेज के लिए काफी जगह मिल जाए. जैसे मैंने बोला ओनर्स ने इसे एक ऑफिस में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर आप आपका लैपटॉप रख सकते हो, यहाँ पर उनका प्रिंटर है. बहुत ही बड़े बड़े विंडोज लगे हुए हैं, तो वो जो छोटी सी हवा हमें रूम में आ रही थी वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आती है. आप देख सकते हो कितना ग्रीन है बाजू में आपके आसपास, तो आपकी वाइब्स इस घर में पूरा टाइम पॉजिटिव ही रहने वाली है. यहाँ पर फिर से कैबिनेट्स है, ड्रॉर्स है और ये पूरे स्ट्रेच को उन्होंने उसी से कवर किया हुआ है. एंड राइट ऑपोजिट दैट इज वेयर द पूजा सेटअप इज. हम चलकर अब बाकी के दूसरे दो बेडरूम्स देखेंगे. उससे पहले इस बालकनी से अटैच्ड एक मस्कीटो नेट भी है. इवन दो यू आर ऑन एन हायर फ्लोर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन इफ अ टाइनी मस्कीटो इज हियर वो आप इससे बचा देगा. तो ये हमारा तीसरा बेडरूम है. इस रूम में देखिए कितने सुंदर वार्डरोब्स लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब है ये. आप ऊपर भी आपकी बैग्स रख सकते हो. एक झूला लगा हुआ है आपके रूम में जो बहुत ही कंफर्टेबल है. एक बेड है, दो साइड टेबल्स है, सुंदर कार्पेट्स लगी हुई है रूम में. रूम के थीम से मैच करता हुआ एक ब्राउन कलर का ड्रेसिंग टेबल भी है विद अ लॉट ऑफ ड्रॉअर्स, तो आप आपका सारा मेकअप इसमें रख सकते हो. एंड इससे अटैच्ड एक बड़ा चेस्ट ड्रॉअर्स भी है जहाँ पर ओनर्स ने शूज रखे हैं, पर आपके पास अगर मेरे जैसा ढेर सारा मेकअप हो तो आप वो भी रख सकते हो. और स्टोरेज स्पेस है रूम में.
एसी लगा हुआ है, फैन है, एलईडी लाइट्स लगी हुई है फॉर योर शो पीसेस। इस रूम में कर्टन है और एक विंडो है। आपका व्यू फिर से बहुत ही सुंदर है। और एक बाथरूम अटैच्ड है इस रूम में। इस बाथरूम में एक बहुत ही कमाल की चीज है, ये सिर्फ एक नॉर्मल शावर नहीं पर इसके साथ में पूरा बॉडी शावर का सिस्टम लगा हुआ है विद अ हैंड शावर। तो आप ये दोनों चालू करके ये फुल आपके बॉडी पे शावर एक साथ में चल रहा है। लेट्स गो एंड सी द लास्ट बेडरूम। आप देख सकते हो कि ये रूम कितना स्पेशियस है और इस रूम के जो कबर्ड्स है वो भी बहुत प्यारे हैं। ड्रॉर्स भी है इस कबर्ड में ताकि आप सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड रख पाओ। एक बेड है, साइड टेबल्स है ड्रॉर्स के साथ में, विंडोज है विद कर्टन्स, सब तरफ झाड़ ही झाड़ है तो आपको पूरा टाइम फ्रेश एयर मिलता है आपके अपार्टमेंट में। दो प्यारे से रेड कलर के चेयर्स रखे हुए हैं विद अ टेबल, तो आप यहाँ पर आपकी हवा एंजॉय कर सकते हो शाम को चाय के साथ में। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है मिरर के साथ और ये बाथरूम है। एक ग्लास डोर है जो शावर एरिया को सेपरेट करता है टॉयलेट एरिया से और यहाँ पर भी एक बॉडी शावर है फुल शावर के साथ में। सिंक है, बाथरूम है, गीजर लगे हुए हैं सारे बाथरूम में। यहाँ पर शेल्व्स है तो आप आपकी सारी डेकोरेटिव चीजें रख सकते हो। एक सुंदर सा लैंप रखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल एसी के नीचे। इस रूम में फैन है, लाइट्स है और आपके बेड के ऊपर भी ये जगह है जहां पर आप आपकी सारी डेकोरेटिव चीजें रख सकते हो। अब हम जाकर वो एरिया देखेंगे जो इस अपार्टमेंट की यूएसपी है। आप देख सकते हो कि ये टेरेस कितना बड़ा है। आप शायद ये भी बोल सकते हो कि ये टेरेस उतना ही बड़ा है जितना अपार्टमेंट बड़ा हो। एक सिंक लगा हुआ है इस टेरेस पर, लाइट्स लगे हुए हैं सब तरफ, एक सुंदर सा वुडन सिटिंग बनाया हुआ है यहाँ पे ताकि आप यहाँ पर आपको शाम को आकर चिल कर सकते हो। और भी सब तरफ आपके मार्बल सेटिंग्स है, एक यहाँ पर है, एक वहां पर है और एक वहां पर। एक बीच में भी सिटिंग के लिए एरिया रखी हुई है। और बाहर भी एक बार बनाया हुआ है। यहाँ पर इस बालकनी में एक वाटर फाउंटेन भी लगा हुआ है और ऊपर आप देख सकते हो बहुत ही आर्टिफिशियल सुंदर से क्रीपर्स लगाए हुए हैं। इस टेरेस पर एक कबर्ड भी लगा हुआ है। ये एग्जैक्टली बार के बाजू में प्लेस किया हुआ है। इस पे की भी है तो आप ये कबर्ड लॉक भी कर सकते हो।
और ये वो एंट्रेंस है जो मैंने आपको दिखाया था पहले। आप सीधा इस अपार्टमेंट के एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड पर खड़े हो, तो अगर आपकी कोई पार्टी प्लान हुई है जो यहाँ पर आप करना चाहते हो, गेस्ट डोंट हैव टू एंटर योर हाउस, दे डायरेक्टली कम इन फ्रॉम हियर। आप देख सकते हो कि ओनर्स ने ये अपार्टमेंट कितना अच्छे से सजाया हुआ है, कितनी सुंदर लाइट्स लगी हुई है, इसीलिए तो ये जगह डिसाइड की है मैंने आपको सारी डिटेल्स देने के लिए। ये एक 4 BHK का अपार्टमेंट है, टेरेस अपार्टमेंट है। जो टेरेस है वो अपार्टमेंट के जितना ही बड़ा है। ये एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट है और ये रेंट के लिए अवेलेबल है। जो रेंट ओनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 80,000 है सिर्फ कल्याणी नगर में। इतना कम रेंट एक 4 BHK फुल्ली फर्निश्ड के लिए इज़ अ वेरी 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 गुड रेंट। तो प्लीज़ ग्रैब द डील। एंड अगर आपको कोई फिक्स्चर या फर्नीचर नहीं चाहिए इस अपार्टमेंट में, तो आप वो बात कर सकते हो ओनर से और फिर हम रेंट डिस्कस कर सकते हैं उसके आगे। अभी हम जिस लोकेशन में है वो कल्याणी नगर है। कल्याणी नगर के उस एरिया में जहाँ पर आसपास जॉगर्स पार्क है, बाजू में ही है। एंड इस अपार्टमेंट का पूरा वेस्ट साइड जो है वो ओपन है, तो इतनी अच्छी ब्रीज आती है। यू आर ऑन द टॉप फ्लोर, आपके आसपास सब ग्रीनरी है। कुछ भी आसपास ऐसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं आएगी जो आपका व्यू रिस्ट्रिक्ट करेगी या ग्रीनरी कम कर देगी। तो वन थिंग दैट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस अपार्टमेंट इज़ के पूरा टाइम आपको पॉजिटिविटी एंड फ्रेश ब्रीज मिलेगी इस अपार्टमेंट में। सोलारिस जिम बाजू में है और कल्याणी नगर में तो आपको पता ही है पुणे के सारे बड़े जिम्स जैसे नाइट्रो, गोल्ड्स जिम, ऑक्सीजन सारे आसपास ही है। गोल्ड एडलाज आपके एकदम बगल में है। एक रोड आती है, वो रोड से पास करते ही आप विमान नगर पहुँच जाते हो जहाँ पर एयरपोर्ट है, सिम्बॉयसिस है और फीनिक्स मॉल है। आप जब दूसरी तरफ जाते हो वहाँ पर कोरेगांव पार्क है जहाँ पर आपके सारे ईटरीज है, आपके सारे शॉपिंग की जगहें हैं। एंड उससे थोड़ा ही आगे जाते ही आपके पास बोट क्लब, बन गार्डन और कैंप एरिया आती है जहाँ पर आपका रूबी हॉल, जहांगीर हॉस्पिटल वहीं पर है। एंड उसके आगे ही पुणे स्टेशन आता है। इस सोसाइटीज़ की अमेनिटीज़ जो है वो है क्लब हाउस है, किड्स प्ले एरिया है, जिम नहीं है, बट सोलारिस इज़ राइट अक्रॉस, सो यू कैन जस्ट क्रॉस द रोड एंड गो टू द जिम। आप देख सकते हो सोसाइटी में सब तरफ CCTV कैमराज लगे हुए हैं। एंड टू माई लेफ्ट हैंड साइड इज़ वेयर द क्लब हाउस एंड द गार्डन इज़, पर उसके पहले हम किड्स प्ले एरिया देख कर आते हैं। तो यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है, स्विंग स्लाइड्स लगे हुए हैं और नीचे भी रबर मैट लगा हुआ है ताकि आपके बच्चों को लगे ना गिरने पर। एंड किड्स प्ले एरिया के सामने ही पार्किंग है आपकी अपार्टमेंट की। अब हम जाकर क्लब हाउस देखते हैं। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो यहीं पर सोलारिस जिम और डीमार्ट है, तो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग भी आपके एग्जैक्ट सामने ही है। ये क्लब हाउस है सोसाइटी का। और क्लब हाउस के पीछे ही गार्डन एरिया है, बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। Unlike any other garden, this has an oval shape. और बहुत सारे trees हैं पूरे garden में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज नादर नीलगिरीवाला. एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो दैट इज रोजीना नीलगिरीवाला. उनके पास सारी डिटेल्स है इस प्रॉपर्टी की. एंड कोई और प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू.